दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर उमरा. 11 अप्रैल को होगी हमारी फ्लाइट. जी तो उमरे की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू टुडेज व्लॉग. कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट. मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुश हूँ. एज यू गाइस हैव ऑलरेडी रेड बाय द टाइटल, आई फील सो ब्लेस्ड, सो लकी कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर बुला रहे हैं एंड वो भी रमदान में. दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर उमरा एंड दैट टू इन रमदान. मेरा और मेरी अम्मी का फर्स्ट एवर रमज़ान है एंड अल्लाह ताला ने हम दोनों को साथ बुला रहे हैं अपने घर. यू नो, मैं हमेशा एक दुआ करती थी कि मैंने और मेरी अम्मी ने ना कभी भी आउट ऑफ पाकिस्तान कभी भी ट्रैवल नहीं किया है. सो मैं हमेशा से ये सोचती थी कि या अल्लाह, अगर कभी भी मैं आउट ऑफ पाकिस्तान ट्रैवल करूँ, प्लीज़ पहली फ्लाइट मुझे मेरी अम्मी के साथ रखवाइएगा. आई डोंट नो कहाँ, जहाँ भी आप लेके जाएं, पर फर्स्ट फ्लाइट मुझे अपनी अम्मी के साथ करनी है. जब तक मेरी फ्लाइट है 10 दिन में, प्रॉबेबली इंशाल्लाह, वैसे एक्सपेक्टेड है कि 11 अप्रैल को होगी हमारी फ्लाइट. अभी तक हमारे वीज़ा वगैरह नहीं लगे हैं, वीज़ा और टिकट अभी तक नहीं आया. अब आयस की शॉपिंग करनी है एंड फर्स्ट टाइम एवर आप लोग मुझे हिजाब में देखेंगे. या बस इस ब्लॉग की जानेब बढ़ते हैं. 10 दिन में जो भी होता जाएगा, आई कीप ऑन अपडेटिंग यू गाइज. इसी ब्लॉग में यू गाइज विल गेट एवरीथिंग. सो ये वाला ब्लॉग एंड अपकमिंग कुछ ब्लॉग्स मेरे हमेशा दिल के करीब रहेंगे. वो दिन करीब आ जाए कि मेरा नेक्स्ट फ्लाइट हो. तो लेट्स गो. ओके जी, तो तैयारियां स्टार्ट करते हैं और तैयारियों में सबसे पहले चीज़ क्या आएगी? अबाया. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज़ अबाया. सो अबाया मैंने सिलवाने थे, वो मैंने रॉ लेना था कपड़ा एंड देन मम्मा से सिलवाने थे. मुझे फ्लोरल एंड सॉलिड लेने थे, सॉलिड ज़्यादा, फ्लोरल एक दो. तो मैंने पिंक वाला एक सिलेक्ट किया था एंड दैट ग्रीन वन एज वेल, जो प्रीवियस क्लिप में आपने देखा था, आई सेलेक्टेड दैट वन एज वेल, नॉट दिस पिंक. ये अम्मी ने सेलेक्ट किया था एंड येलो वाला भी पसंद आ रहा था बट आई स्किप्ड इट. फिर मुझे ब्लैक एंड वाइट भी लेना था, जेट ब्लैक एंड वाइट ऑब्वियसली. उसके बाद हम आ गए थे लेस की शॉप पर. जो मैंने ब्लैक अबाया लिया है उसके साथ मुझे ब्लैक लेस चाहिए थी. तो मुझे डिफरेंट ये लोग चॉइसेस दिखा रहे थे, मुझे ये वाली काफ़ी पसंद आई, सो आई वेंट विद दिस वन. ओके गाइस, सो काउंट डाउन हो चुका है स्टार्ट. मम्मी कर रही हैं मेरे अबाये की स्टिचिंग. ये वाला अबाया सिल रहा है यहाँ पे. मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी एंड मैंने उस पर लिखा था शॉपिंग फॉर समथिंग स्पेशल, कैन यू गाइस गेस. और काफ़ी सारे लोगों ने एक्चुअली गेस किया कि उमरा के लिए है. आप लोग कैसे गेस कर लेते हैं, आप लोगों को कैसे पता चल जाता है? आउट ऑफ नो वे मैंने वो वीडियो लगाई जो कि मेरा इरादा भी नहीं था, बट आई जस्ट डिसाइडेड टू अपलोड इट. जस्ट वांटेड टू सी कि कितने लोग क्या क्या गेस करते हैं. जस्ट वांटेड टू, यू नो, आई वाज वेरी क्यूरियस कि आप लोग की गेसेस क्या होंगे. जो मैं ये अबाया सिल रही थी उसको मैं पहन के ट्राई कर रही हूँ. अभी इसका स्कार्फ हमने लिया नहीं है, इसका बेस कर प्रॉब्ली मैं स्कार्फ लूंगी. बस इसका मैं कैप लेके आई हूँ और नीचे से मैंने थोड़ा सा छोटा इसलिए रखवाया है क्योंकि वॉक करने में मुश्किल ना हो, कि ऑब्वियसली वॉक बहुत होगा तो हमें उसके लिए मुश्किल ना हो. या कलर सूट कर रहा है. तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं होने. सो आई वॉज जस्ट ट्राइंग दिस अबाया आउट. आई हैव नो आइडिया इसका दुपट्टा कैसे पहनेंगे, द स्कार्फ, आई डोंट नो हाउ वुड यू वेयर दैट. इसको सिर्फ ऐसे पहन लिया, आई हैव नो आइडिया मैंने ठीक पहना है कि नहीं. आई एम जस्ट, यू नो, एक्सपेरिमेंटिंग विद इट बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट यूज टू इट. तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम एवर कि मैंने ऐसे दुपट्टा पहना है, लाइक विद द कैप. मतलब सर पर वैसे मैंने लिए हुए दुपट्टे बट विद द कैप. सो एंड आई हैव नो आइडिया कि इसको ये लोग, यू नो, हाउ डू पीपल वेयर इट. जैसे सबाया बनते जाएंगे मैं ट्राई करती जाऊँगी. कम दिन रह गए हैं, ये कॉमेंट नहीं करेगा कि नीचे से छोटा है. अभी फ्रिल लगेगी तो वो ठीक हो जाएगा. सो है ना, इस टाइम पहले इशा की नमाज़ पढ़ रही थी एंड ऑल फॉर अ सर्टन ना मुझे ऐसा फीलिंग आया कि मैं खाने काबा में हूँ. आगे व्यू खाने काबा का है एंड फ्लोर भी मुझे वैसे फील हो रहे थे, वैसे फील हो रहे थे जैसे खाने काबा के थे. एंड मैं इंटायर टाइम बस जब मैं नमाज पढ़ ली थी मैंने सिर्फ यही सोच रही थी कि वॉट डिड आई डू. वेल माई इमोशनल, जरे माई वर्ड आके दिया ना, वॉट डिड आई डू. जब भी मैं ये सेंटेंस कहती हूँ आई गेट स्लाइटली इमोशनल. या उस टाइम आई वॉज वेरी वेरी इमोशनल. अभी आई डोंट नो, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स. अभी मैं आई कैन एक्सप्रेस यू गाइस माई फीलिंग्स बट आई एम वेरी एक्साइटेड. And we're going. अभी तो मैं इसको ऐसे ही फिलहाल पहनूंगी.
फिर हम इसको पिंस वगैरह के साथ सेट करेंगे। वाइट भी अच्छा लगेगा, दोनों अच्छे लगेंगे। आई थिंक प्योर। एंड ऑल्सो यू गाइज, हमारे पास कितने दिन बाकी हैं? सिर्फ 5 दिन हैं बाकी। एंड हम लोग के वीजाज आ चुके हैं। ये है मेरा वीजा, ये है अम्मी का वीजा। या 5 दिन और बहुत जल्दी टाइम गुजर रहा है। अभी बहुत ज्यादा इतनी पैकिंग करनी है हम लोग को, पर समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ पे खत्म करें। आई थिंक दिस वन, आई फील लाइक ये मैं शायद चांद जान पे पहनूंगी। आई एम सुपर सुपर डुपर एक्साइटेड। ये 5 दिन भी ऐसे गुजरेंगे पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको साथ साथ ऑब्वियसली अपडेट करती जाऊंगी क्या क्या सीन बन रहा है। फिलहाल की अपडेट्स ये थी, अब मैं आपको दोबारा मिलूंगी न्यू अपडेट के साथ। बाय। हेलो गाइस। ओके सो आई एम जस्ट, प्लीज इग्नोर मी अगर मैं आपको बहुत सोती हुई हालत में लग रही हूँ, क्योंकि रोजा है और मुझे थोड़ा सा रोजा लग रहा है, बट वो चीज़ें सब साइड में है गाइस। सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मैं भी सारी कर रही थी पैकिंग शेकिंग, सो आई डिसाइडेड टू शो यू गाइस माय अबायास जो मैंने बनवाए हैं। मैंने आपको आई थिंक 2 दिखाए हैं इन टोटल। मैंने तकरीबन 7 अबायास बनवाए हैं, एंड बनवाए एक्चुअली मैंने 6 हैं। एक मुझे जो 7th वाला है दैट वाज अ PR जो मुझे आया था, वो बेसिकली एक मैक्सी थी, तो वो थोड़ा सा बड़ा था मुझे। ऑल दो उन्होंने मुझे अगेन एक्सेस में भेजा था, पर वो मुझे थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने उसको अबाया में कन्वर्ट करा दिया। मैं जब सारे अबायास वगैरह यू नो अपने बिस्तर पे रख रही थी टू शो यू गाइस एंड फिर मैं उसको पैक करूँ, मैं ना बस एक ही चीज़ मेरे इंटायर दिमाग में अभी तक एक सवाल मेरे दिमाग में है कि वाई मी दिस टाइम। एंड हम लोग इतने गुनहगार लोग हैं, बट अल्लाह ताला ने आई जस्ट फील सो मच ब्लेस्ड। अब आप लोग मेरे साथ ही होंगे, यू गाइज विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग। पर ये है कि आई डोंट नो कि हाउ मच आई वुड ब्लॉग देयर। ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा अपना ध्यान इबादत में लगाना है, बिकॉज इट्स जस्ट वन टाइम एक्सपीरियंस। ये यू नेवर नो कब मुझे दोबारा जाने का मौका मिले, यू हैव नो आइडिया। सो ईद का मैंने अबाया बनवाया है दिस टाइम, शो यू गाइज दैट इन अ मोमेंट। सो दीज आर द अबायास, मैंने एक ब्लैक में बनवाया है एंड देयर इज दिस वन, इट्स पिंक। अच्छा मुझे पता नहीं चला था मेरे पास इतने पिंक के शेड्स आ गए हैं। ये मैंने बनवाया था, ये मुझे एक्चुअली PR में आया था। ये एक मैक्सी थी एंड उसको मैंने अबाया में कन्वर्ट किया है। एंड देन आई हैव दिस वन, दिस इज़ ऑल्सो रियली प्रिटी। एंड देन आई हैव दिस लाइलैक वन, ये आप लोग ने देखा है डेफिनेटली। एक्चुअली ये भी आप लोग ने देखा पहने हुए, ये वाला भी आप लोग ने वीडियो में देखा है। देन आई हैव दिस वन, ये मेरे ईद का है। सो दिस इज़ माई ईद का अबाया, यहाँ पे भी है। दिस इज़ वाइट, बट ये मतलब मैंने ऐसे डिज़ाइनिंग करवाई है ऐसा लगेगा कि ऊपर से आई एम वेयरिंग समथिंग, बट ये यहाँ से अटैच्ड है बिल्कुल। ये वाला इसका है, ये ब्लैक वाला वुड गो विद ब्लैक ऑब्वियसली। ये ब्लू है विच विल गो विद दैट, पर्पल वन वुड गो विद द पर्पल अबाया ऑब्वियसली, और ये वाइट वाला वाइट अबाया का है। साइड पे आई जस्ट हैव दीज अबाया पिंस, आई हैव ब्लैक एंड वाइट, मैंने कलरफुल भी ले लिए थे, ये मम्मा ने लिए अपने लिए, एंड सम हेयर पिंस बिकॉज ऑब्वियसली हेयर सिक्योर करने के लिए यू नेवर नो कब जरूरत पड़ सकती है। ये वाले अम्मी के हैं, हेयर कैचर टू अगेन सिक्योर माई हेयर, एंड या देयर इज वन मोर कैचर। स्कार्फ मैंने लिया विच इज लाइक द कलर इज वेरी प्रिटी, ये थोड़ा सा फॉन कलर, ये थोड़ा सा क्रीम फॉन कलर में जा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली हम ज़्यादा दिन के लिए होंगे एंड मैं ब्लैक अबाया अगर पहन रही हूँ बार बार, तो उसके लिए जस्ट मैं आई विल बी चेंजिंग द स्कार्फ। स्कार्फ्स भी हैं उसके साथ में दुपट्टा वगैरह, यू नो माई हेड स्कार्फ मैं चेंज करती रहूँगी। सारे स्कार्फ्स मैंने रॉ में लिए हैं एंड देन उस पर किसी पर मैंने सिलाई की पीको करवाया, किसी पर मैंने पीको करवाया है। तो गॉट सम हेड स्कार्फ्स जी। हाँ आई थिंक, अच्छा मैं इसको ना यूं जाके अपने कैप पे पिन करूँगी, बट फिलहाल जस्ट टू शो यू गाइज मैंने ऐसे पहना है। अच्छा ऑल्सो जो मेरी जो कैप्स हैं ना वो बांधने वाली हैं, वो पीछे टाई होती हैं, अगर इससे आपको पता चल सकता है। सो वो पीछे टाई होती हैं, वो एक कैप कैप नहीं है, बिकॉज आई फेल लाइक कि ये वाला जो है वो मेरे बन को भी सिक्योर करेगा, मेरे बाल बंधे रहेंगे खुलेंगे नहीं। तो मैं प्रॉबेबली ऐसे ही इसको अबाया ऐसे दुपट्टा पहनूंगी। ये वाला जो आया ना बेसिकली ये मैं प्रॉबेबली एयरपोर्ट पे पहन के जाऊंगी व्हेन आई बी गोइंग टू सऊदी। अच्छा ऑल्सो क्योंकि ब्लैक है एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्कार्फ्स हैं, लेट्स ट्राई अनदर स्कार्फ। आई थिंक आई विल जस्ट ट्राई दिस वन। ब्लैक तो है ही ब्लैक, वो तो ब्लैक कलर का पहन रही हूँ तो वो तो हर एक चीज पे चला जाएगा।
इसके साथ क्या कहते हैं पिंक कैप मैंने पहनी एंड देन इसका जो स्कार्फ है वो अभी तक मैंने लिया नहीं है विच आई हैव टू गेट टुडे बिकॉज वी डू नॉट हैव टाइम नाउ तो वो मैं प्रॉब्ली आज ले लूँगी इंशाल्लाह उसका फिलहाल स्कार्फ नहीं है तो फिलहाल मैं यही स्कार्फ पहन रही हूँ सो आई थिंक दिस ऑल्सो एक्चुअली लुक्स गुड अगर हम कॉम्बिनेशन की साइड पे जाएं ये वाला स्कार्फ ना फील लाइक थोड़ा सा छोटा हो गया है सेट नहीं हो रहा है ऊपर से मुझे ऐसे पसंद है आई थिंक मैं वो जो पिंस करूँगी तो उससे काफ़ी सेट हो जाए ओके तो अब पैकिंग वगैरह करना कंटिन्यू करते हैं एंड आई विल सी यू गाइस लेटर नाउ ओके जो ये कुछ कपड़े हैं जो नए हैं बेसिकली ये वाले दो तो मैं आप लोगों के सामने लेके आई थी मैंने चेस से लिया था ये भी मैं खरीद के ये भी मैंने लिया था शॉप से ये वाला थोड़ा सा पुराना है वाइट वाला बिकॉज आई हैव दिस वाइट आउटफिट तो मैंने दूसरा नहीं बनवाया टू गो अलॉन्ग विद दैट वाइट अबाया एंड देन आई हैव दिस क्रीम सेपरेट्स जो ईद के लिए मैंने बनवाए हैं रेड एंड क्रीम है तो उसके लिए ये है एंड देन दिस वन आई रियली लाइक द कलर एक्चुअली सब सिंपल बनवाए हैं क्योंकि सारे अबाए के नीचे ऑब्वियसली मैं पहनूंगी दिस साइड ये मैं चेस से लेके आई थी एंड और एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्लीपर बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कभी भी दूसरे की जरूरत पड़ सकती है आई बी कीपिंग दिस वन इन माई बैग एंड ये मैं पहन के जाऊँगी और ये मुझे भाभी ने दिलाए हैं गॉट दिस फ्रॉम स्टाइल आई रियली लाइक इट बहुत प्यारे हैं बहुत कंफर्टेबल हैं सो फार इतना हुआ मेरा बैग पैक अब बाकी करते हैं पैक एंड ऑल्सो अब आया है जो मैं एयरपोर्ट पर पहन के जाऊँगी एंड उसके साथ ये ब्लैक शलवार कमीज थोड़ा वजन भी चेक कर लेते हैं कितना हम लिखी है ओके लेट्स गो मम्मी कितना है मम्मी ठीक है तो अभी यहाँ पास और कैपेसिटी है बहुत ज्यादा और बहुत सारी चीजें जाएंगी इसमें अभी और स्टफ इन होगा मैंने बहुत सारा सामान बाहर रखा है मैंने उठा लिया हैवी है नहीं और भाई जब यू गाइस Let me show you guys something. हमारी टिकट्स आ गई हैं मेरे कपड़े अभी से मैंने सजा के रख दिए हैं तो बैग पैक कर रही हूँ देन माय दिस बैग इज पैक्ड क्या किसी को बैठना पड़ेगा कौन बैठेगा मेहरान करेगा यहाँ पे लास्ट मिनट प्रेपरेशंस वगैरह चल रही हैं यू गाइस कैन डू इट कम ऑन ये फटना चाहिए तो यहाँ पे लास्ट मिनट प्रेपरेशन चल रही है सारी चीजों की फोटो कॉपी वगैरह आ गई मैंने ना इसमें बिस्किट्स वगैरह डाल लिए हमें बैकपैक में नहीं डालने हैं बिस्किट्स ये मैंने अपना जो ब्लैक ईटिंग फूड चैलेंज किया था तो उसमें से मेरे पास ये ओरियोज बच गए थे एंड ये रिफ्रेशमेंट तो मैं इसमें साथ लेके जा रही हूँ जो नेवर नो वहाँ पे कभी भी काम आ सकता है और साथ में फिर दूसरे कपड़े मैं ऊपर रख दूंगी आई जस्ट होप ये बंद हो जाए तो एंड जी हमारी पैकिंग हो गई है डन हम यहाँ पे बैच कर प्लीज क्या है इमेज कैसी है अब क्या रह गया है ये हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स तो उसको अपने पैक में डालो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अम्मी इज हियर ओके अम्मी तो हाउ डू यू फील मैं बता नहीं सकती क्या फील कर रही सोच रही हूँ कि दुनिया में पता नहीं कितने लोगों ने कितने लोगों ने उमरा किया होगा हज किया होगा मगर मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं ही पहली हूँ जो उमरा कर रही हूँ पता है कि मेरी और अम्मी की फर्स्ट एवर फ्लाइट है टू हमारा उमरा है साथ में हम दोनों का फर्स्ट एवर उमरा है ये मेरी बहन जी ने मुझसे पूछा आंटी आपकी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट में कहा कि जो पहली और कैसी मुबारक फ्लाइट है आपकी मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली हम दोनों की इंटरनेशनल फ्लाइट है फर्स्ट लाल ने कहा अम्मी जर्मनी आए मेहरान कहता था जब मैंने कहा नहीं पहले अल्लामिया करेगा पहले उमरा करूँगी फिर मैं कहीं हो जाऊँगी हमेशा कहती थी पहले मैं उमरा करूँगी फिर मैं दुनिया घूमूंगी एंड अल्लाह ने आपकी चाह तो आपने की सुन ली फ्लाइट दुनिया ऐसी लगी दुनिया कुछ भी नहीं है अजीब सी फीलिंग है अजीब सी मैं अभी चीजों को देख रही हूँ क्या यार ये तो कुछ पानी है सब कुछ बाकी साथ सिर्फ अल्लाह की जो हमेशा रहेगी
10 बजे हम लोग की फ्लाइट है इंशाल्लाह ताला कल दोपहर 12 बजे पाकिस्तानी टाइमिंग्स 12 बजे 12 PM हम लोग पहुंच जाएंगे जद्दा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर आप तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं किया है तो भले ना करें पर प्लीज़ हमारे ये दुआ ज़रूर करिएगा कि अल्लाह ताला हम लोग का उम्रा ज़रूर कबूल करे आमीन वसुम आमीन। नेक्स्ट व्लॉग मैं कब दूंगी आई हैव नो आइडिया बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम जा रहे हैं अल्लाह के घर जा रहे हैं सो वी हैव टू मेक द यू नो बेस्ट आउट ऑफ इट। ज़्यादा इबादत में ही होंगी स्पेयर टाइम में जब मुझे टाइम मिलेगा तो आई माइट मेक अ वीडियो और टू बट कब अपलोडिंग होगी कब एडिटिंग होगी वो आई हैव नो आइडिया। दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर। सिर्फ 10 घंटे बाकी हैं हमारी फ्लाइट को। बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह का उम्रा अल्लाह ताला कबूल फरमाए आमीन वस्सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। एंड आई एम गोना सी यू गाइस सून इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। नाउ अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टे हेल्दी स्टे पॉजिटिव स्टे सेफ फी अमानिल्लाह एंड यस अल्लाह हाफिज़ फी अमानिल्लाह।